तो दोस्तों तो एक नई वीडियो, आज का टॉपिक होने वाला है एशिया कप वंस अगेन, क्योंकि बड़ी न्यूज सामने आ रही है कि इंडिया के पास जो इंडिया का आखिरी कार्ड था ना, इंडिया ने अपना आखिरी कार्ड भी खेल लिया है। इंडिया ने एशियन काउंसिल को खत लिखा है और उसमें सफा सफा बोला है कि पाकिस्तान को बोले और पाकिस्तान को फोर्स करे कि वो अपना टूर्नामेंट जो है किसी दूसरे न्यूट्रल वेन्यू पर करा दे, क्योंकि हम पाकिस्तान जाकर नहीं खेलना चाहते और पाकिस्तान के खिलाफ भी नहीं खेलना चाहते। लेकिन एशियन काउंसिल ने बोला है कि PSL को होने दो, फिर उसके बाद हम पाकिस्तान से फिर बात करेंगे कि एशिया कप पाकिस्तान में होगा या किसी पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पर करेगा। पाकिस्तान ने फिर भी इमरजेंसी के तौर पर दुबई के स्टेडियम्स बुक किए, जिसमें दुबई का स्टेडियम, शारजा का स्टेडियम और अबू धाबी का स्टेडियम। पाकिस्तान चाह रहा है कि एशिया कप पाकिस्तान में हो, लेकिन अगर एशियन काउंसिल पाकिस्तान को इजाज़त न दे तो पाकिस्तान आधा आधा पाकिस्तान में होस्ट करेगा और आधा UAE में होस्ट करेगा, और अगर ये भी ना हो तो पूरा का पूरा एशिया कप जो है UAE में होस्ट होगा। यार इंडिया पता नहीं पाकिस्तान से चाहता क्या है। इंडिया कहता है कि हम क्रिकेट को सपोर्ट करते, क्रिकेट को सपोर्ट करते, क्रिकेट को सपोर्ट करते, लेकिन जब इस टाइम पर आते तो क्रिकेट और पॉलिटिक्स को साथ साथ मिला लेते हैं, और अब वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में कोई टूर्नामेंट हो और हमारी टीम कोई पाकिस्तान आके खेले ये और वो। और साथ ही साथ अफगानिस्तान भी इंडिया के नश्ते बोलते हैं ना स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास अपने कोई स्टेडियम नहीं है, वो इंडिया का लखनऊ का स्टेडियम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ अपने होम मैचेस खेलते हैं, तो वो इंडिया की बात सुनेंगे सुनेंगे, तो वो कह रहे कि हम ही पाकिस्तान अकेले खेलना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ खाली UAE अभी खड़ा हुआ है, अफगानिस्तान वो क्या नाम है श्रीलंका खड़ा हुआ है और बांग्लादेश खड़ा हुआ है। ये तीन टीमें बोलती कि हम पाकिस्तान जाकर खेलेंगे, और कोई भी टीम नहीं कह रही कि हम पाकिस्तान आकर खेलेंगे। सीरियसली ये बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है और क्रिकेट के लिए एक तरह से क्रिकेट का डिक्लाइन हो, क्योंकि अगर आप किसी मुल्क को सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर वो दूसरा मुल्क आपकी कब सपोर्ट करेंगे। अब खुदा ना खास्ता इंडिया के हालात ख़राब हो गए, कोई टीम इंडिया ना जाकर खेले और पाकिस्तान को कह के आओ आओ खेलो, तो पाकिस्तान भी नहीं जाएगा। ये वही अफगानिस्तान टीम है कि पाकिस्तान ने इनको अपने होम ग्राउंड दे के आओ यहाँ खेलो। पाकिस्तान की हालात ख़राब थे तब भी, लेकिन पाकिस्तान ने तब भी अपने एक सारे ग्राउंड्स दिए, वो इनके यहीं से क्रिकेट सीखी, इनके प्लेयर्स यहीं से ग्रो अप, यहाँ ने क्रिकेट खेली है, और अब इनका बोर्ड हम पे बातें कर रहे हैं। सीरियसली इंडिया को चाहिए कि सपोर्ट करें क्रिकेट को, क्योंकि क्रिकेट अगर हम सब एशिया अगर साथ हो जाए, एशियन ब्लॉक अगर साथ हो जाए ना, तो दुनिया में हमें कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन एशियन ब्लॉक वाले लांझे कर रहे हैं, पड़ोसी को लांझे कर रहे हैं, तुम्हारे मुल्क हम नहीं आएंगे क्योंकि तुम्हारे मुल्क नहीं आएंगे। यार ये क्या गेम है, हम सब कुछ चाहिए हमें श्रीलंकन बोर्ड की तरह बननी चाहिए। श्रीलंकन बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट किया, श्रीलंकन बोर्ड ने जिम्बाब्वे को सपोर्ट किया, इस तरह का बोर्ड बनना चाहिए। मुझे पता है मैंने ये वीडियो तो बना ली है, अब मुझे पता है नीचे कमेंट आएंगे कि BCCI तुम लोग का बाप है, ये वो, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है। अब इंडिया अड़ी कर रहे हैं, वो पाकिस्तान आगे क्यों नहीं खेला चाहता, पाकिस्तान में क्या, पाकिस्तान की सिक्योरिटी क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, ICC ने क्लियर दी है, एशियन काउंसिल ने क्लियर करके हमें ये कप होस्ट करने की इजाज़त दी है। ऐसे तो नहीं कि हम खुद खेले चलाओ हम एशियन कप होस्ट करेंगे। मुझे पता है मेरे नीचे वीडियो के नीचे बहुत वर्गल किस्म के कमेंट आएंगे जो मुझे फिर डिलीट करने पड़ेंगे कि इंडिया तुम्हारा बाप है, BCCI तुम्हारा बाप है, ये और वो। यार जो रियलिटी है वो रियलिटी है, इंडिया वो जो है BCCI जो है अड़ी कर रहा है, वो पाकिस्तान आकर क्यों नहीं खेलना चाहता। BCCI समझता है कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स एक समान है, लेकिन ऐसा नहीं है डूड। तो आज की वीडियो में इतना ही, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मुझे इससे सपोर्ट करते रहे कि मैं आप लोगों के लिए डेली क्रिकेट न्यूज़, क्रिकेट ओपिनियन या ब्लॉग्स लाता रहूँ, कुछ ना कुछ हम इस चैनल पे करते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।